वाकई बहुत दिन बाद मिले, और दिन भी कहना ठीक नहीं है, सच ये है कि मिलने में कई साल लग गए, 10, 20, 50 नहीं 70 साल लग गए। भारत की स्वतंत्रता के 70 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री आज रिजाइज की धरती पर आप सबके आशीर्वाद ले रहा है। भारत इज़राइल का ये साथ परंपराओं का है, ये साथ संस्कृति का है, और ये साथ एक दूसरे पर भरोसा और मित्रता का भी है। मेरी सरकार का मंत्र है रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। अभी इसी महीने 1 जुलाई से भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया गया है। इससे भारत में वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का एक दशक पुराना जो सपना चल रहा था वो आज साकार हो चुका है। जैसे सरदार पटेल ने राजे रजवाड़ों को मिला करके राजकीय एकीकरण किया था, 2017 में आर्थिक एकीकरण का अभियान सफल हुआ। भारत में हर कोई मानता था ये संभव नहीं है, लेकिन 3 साल के भीतर भीतर डिफेंस सेक्टर में भी रिफॉर्म किया और कई क्षेत्रों में 100% तक विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रावधान कर दिया गया। आजादी के लिए मर मिटने वाले लोगों ने आजादी के लिए आजाद भारत में जो सपने देखे थे उन सपनों का पुनः स्मरण करके नए संकल्प लेकर के 2022 तक हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उसमें हमने एक निर्णय किया है, 2022 तक हिंदुस्तान के हर गरीब को जिसके पास अपना घर नहीं है, हिंदुस्तान में 2022 तक हर परिवार को उसका अपना घर हो, एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में 15 दिन महीना 2 महीना 3 महीना लगते थे, आज 2 या 3 हफ्ते के भीतर भीतर, और अब तो लेटेस्ट जो स्थिति है इनकॉर्पोरेट करने के लिए 24 घंटे के भीतर भीतर, यानी उसका काम 24 घंटे में हो जाए, ये व्यवस्था करने में सरकार सफल हुई है। सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए तय किया कि व्यापारियों को लेबर लॉज के तहत 56 रजिस्टर रखने पड़ते थे, हमने रिफॉर्म करके 56 में से 5 पर ले आए, अब सिर्फ 5 रजिस्टरों से 9 श्रम कानूनों की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। अलग अलग देशों की रैंकिंग करने वाली एजेंसियां और संस्थाएं चकित है, मेक इन इंडिया एक ऐसा ब्रांड बना है जिससे पूरी दुनिया अचंभित हो गई है। आज डिजिटल मोर्चे पर भी भारत वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर रहा है, भारत न्यू वर्ल्ड डिजिटल रिवॉल्यूशन का हब बन रहा है। इजराइल भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में इजराइल का साथ भारत में दूसरी हरित क्रांति में मदद कर सकता है।
इसी तरह डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी भारत और इजराइल के संबंध बढ़ने से दोनों देशों का बहुत ही फायदा होगा। इसलिए आवश्यकता है कि दोनों देश सैकड़ों वर्षों की आत्मीयता और 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक साथ आगे बढ़े। मैं पुरानी बातें याद कराना नहीं चाहता हूं। कोयले के विषय में क्या क्या सुना है, स्पेक्ट्रम के विषय में क्या क्या सुना है, लेकिन ये सरकार है जिसने उसने कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से उसकी नीलामी की, पारदर्शी प्रक्रिया से की, और आज लाखों करोड़ों का कारोबार करने के बाद भी कहीं कोई सवालिया निशान नहीं लगा है।